हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष निषाद, आप देख रहे हैं मेरा यस के एन परफेक्ट व्यू यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि एनालम मिशन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हो गया ख़त्म, तो उसी बात पे मैं चर्चा आज करना चाहता हूँ कि ख़त्म की बात करने के लिए जो मैंने थंबनेल में आपने देखा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोस्तों और सब्सक्राइबर और व्यूअर को मैं अपने तहे दिल से अभिनंदन है मेरा, और बार बार स्वागत है आपकी। वीडियो मेरा बढ़िया से देखते हैं आप लोग, पर इस वीडियो बनाने का महत्व क्या था कि मुझे भी कम जानकारी है और आपको जानकारी होगी, इसके लिए मैंने ये वीडियो पर्सनल बनाया कि ये वीडियो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके बीच भी ये बात पहुँचे। क्योंकि ज़्यादा करके मेरे जो बीच में है, मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर हैं, ये समूह से जुड़े हुए काफ़ी जो हैं मेरे मित्र लोग और सब्सक्राइबर हैं जो समूह से संबंधित हैं, और समूह एक जो हेल्प सेल्प ग्रुप होता है उसके अंदर रहता है। वो जो एनालम विभाग है उसकी डिपार्ट के अंदर है, जो हमारे जो महिलाएं जो एक समूह बनाकर चला रही हैं, ग्रामीण महिलाएं जो रहती हैं वो अपना 10 लोग का एक समूह बनाती हैं। समूह बनाने के बाद अपना एक ब्लॉक स्तर पर जाकर उसको रजिस्ट्रेशन करती हैं, रजिस्टर के एनालम में रजिस्टर होता है। उसी से सारे लाभ हमारी जो दीदियों को है, महिलाओं को, जिससे विद्युत सखी भी हैं हमारे जो स्वयं सहायता समूह के अंदर से आई हुई हैं, सब कार्यरत हैं, जो कार्य कर रही हैं, विद्युत सखी का हुआ और पशु सखी हुई और बीसी सखी हुई, ये सारी जो हमारी सखियां हैं, कृषि सखी हैं, ये बहुत से हमारी दीदियां हैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह से ही होकर गुजरती हैं, वो उसी से बिलोंग करती हैं वहाँ से। तो उन्हीं के बारे में आज मैं चर्चा करने के लिए पर्सनल वीडियो बना रहा हूँ कि जो हमारी दीदियाँ हमारे से जुड़ी हैं, इतने मुझे कमेंट आते हैं, इतने प्यार करते हैं मुझे, इतना चाहते हैं हमें कि मेरा वीडियो अच्छे से वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद देखते हैं, और देख के मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारी दीदियाँ और हमारे भाई बंधु कमेंट करते हैं मुझे, पूछते हैं कोई भी चीज़ के लिए। और कुछ जो हमारे कमेंट काफ़ी मेरे दीदियों के, हमारे जो सब्सक्राइबर उनके कमेंट पड़े हुए हैं रीडिंग के लिए, तो मैं 2 वीडियो पहले बता चुका हूँ कि रीडिंग की फुल जानकारी अभी आ नहीं पा रही है। मिली है मुझे, ब्लॉक स्तर से मिली है, पर ब्लॉक स्तर की जानकारी मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लॉक स्तर से एक ही ब्लॉक का मिलती है, ठीक है। मुझे यदि पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अवश्य का वीडियो बनाकर दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मगर मेरे प्रयास जारी हैं। जैसे वहाँ से ऑर्डर हुआ है उसके बारे में बात दूसरे वीडियो में बात करूँगा। आज मैं सिर्फ बात करूंगा एनालम के अंदर जो ये ख़त्म की कहानी है उसकी, मैं जो कहानी के बाद में चर्चा करूंगा, जहाँ पे हमारी समूह की दीदियाँ हैं सभी लोग इसमें मन लगाकर कार्य कर रही हैं, हमारे अधिकारी हैं वो भी कार्य कर रहे हैं, मन लगा कार्य कर रहे हैं। मगर एक डिपार्ट ऐसा होता है जो होता है कि एक संविदा नौकरी होती है, जो प्राइवेट स्तर संविदा नौकरी चल रही है, कुछ प्राइवेट होता है सेक्टर वो भी चल रहा है, एक सरकारी होता है वो भी चल रहा है, अर्ध सरकारी भी होते हैं, कितने तरह के एक ही घर में कई गार्जियन होते हैं, कि कोई मालिक होता है तो कोई मालिक नहीं है, कोई छोटा बड़ा, सब तरह से इसी तरह नौकरियां भी हैं। तो उसी विभाग के अंदर हमारा एनालम जो विभाग है, हमारी सरकारी जो गवर्नमेंट के अंतर्गत है, पूरा राज्य सरकार और हमारे ग्रामीण सरकार जो भी केंद्र सरकार है, दोनों मिलाकर अपना जो एनालम विभाग बनाया है, ये एक विभाग ही अलग बन गया है। पूरा जो एनालम का विभाग है वो एक अलग विभाग बन गया है, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एनालम। तो ये मिशन, जो मिशन का जहाँ पर नाम होता है वहाँ पर यदि मिशन कितने समय तक चलता रहेगा, क्या होगा, मिशन यदि पूर्ण होने के बाद, जैसे हमारा मिशन पूर्ण हो गया, जो मिशन है ये मिशन ग्रामीण में आजीविका का मिशन जो चल रहा है, तो हमारे जिसे हमारे जिस गांव में, हमारे क्षेत्र में हमारे समूह बनना है, ये टारगेट मिशन पूरा हो गया हमारा, ये एनालम बंद हो गया उस कंडीशन में, तो हमारे जो अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो या प्रदेश स्तर पे हो, जो एनालम विभाग से अधिकारी हैं उनका क्या होगा, या हमारी उनको बंद होने के बाद हमारी जो दीदियाँ हैं, समूह की दीदी हैं, उनका क्या होगा, और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं बीच के लोग, उनका क्या होगा। मैं इसी विचार पे आज ये वीडियो, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सब्सक्राइबर को कोई जानकारी होगी तो मुझे बताएंगे, इसके लिए मैंने पर्सनली वीडियो बनाया हुआ है और इसी के बारे में चर्चा करेंगे हमारे अधिकारियों को क्या होगा उसमें। क्योंकि एनालम एक जगह पर नहीं है, ना तो स्पेशल उसको राज्य सरकार संभाल रही है, ना ही केंद्र सरकार संभाल रही है, इसको दोनों जगह से कन्वर्ट करके ही संभाला जाता है। कुछ परसेंटेज जो हमारी दीदियों को आता है स्वयं सहायता समूह में, जो आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर, जो भी उसमें योजना का लाभ दिया जाता है हमारी दीदियों को, तो उसमें दोनों सरकार मिलाकर, केंद्र और राज्य सरकार मिलाकर उसका भुगतान करती हैं। हमारे अधिकारियों जो हैं वहाँ पर सैलरी आती है, उनको भी डिपार्टमेंट अलग अलग तरह के कितने परसेंटेज लग के सैलरी आती है,
कि हमारे राज्य सरकार 75% दे रही है तो 25% हमारे केंद्र सरकार दे रही है, 25% 50% हमारे केंद्र सरकार दे रही है तो 25% हमारे इस तरह से परसेंटेज में होकर वहाँ पर उनका वेतन और हमारे जो जो हेल्प सेल्प ग्रुप हैं उनका जो लाभ मिलता है उसी तरह से उनको लाभ मिलता है। यदि ये मिशन पूर्ण हो गया, मिशन यदि पूर्ण हो गया तो इसके बाद हमारे जो अधिकारी हैं, हमारी जो दीदियां हैं, हमारे विद्युत सखी हैं, हमारे जो बहुत सारी सखियां हैं, जो बीसी सखी हैं, इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? हमारे अधिकारी कहाँ जाएंगे? कौन संभालेगा इनको? ये मिशन पूर्ण होने के बाद इनको संभालेगा कौन? ये हमारी केंद्र सरकार संभालेगी या हमारी राज्य सरकार संभालेगी? यही मुझे बार बार ये विचार आ रहा था। मुझे खेद है, मुझे दुख वाली बात है, मैं दुखद एक बात कह रहा हूँ आपसे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, मगर मुझे ऐसा एक मेरे मन में विचार आया तो मैंने कहा मेरे विचार को मैं क्यों ना अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर के बीच रखूँ इस विचार को, कि जो मेरे इस मेरे जो सब्सक्राइबर बहुत से सब्सक्राइबर मेरे ऐसे दीदियाँ हमारी हैं जो मेरे से ये मेरे वीडियो हमेशा वॉच करती हैं, बढ़िया से देखती हैं, मुझे कमेंट भी करती हैं, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो बहुत बढ़िया से देखती हैं मेरी दीदी बहन जी, तो उसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं आज की। ये हमारा जो मिशन है, मैं ऐसा कभी ना हो, मैं क्या सोचता हूं, मैं ऐसा कभी ना हो कि हमारा यह बंद होगा, हमारा विभाग बंद होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बंद हो कभी, क्योंकि मिशन का रूप एक ऐसा होता है कि मिशन है तो मिशन वो पूर्ण होगा कभी ना कभी, आज नहीं 5 साल 10 साल बाद ये मिशन यदि पूर्ण हुआ तो पूर्ण होने के बाद इस डिपार्टमेंट का क्या होगा, हमारे ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी न तो राज्य सरकार की तरफ से न इधर सरकार न संविदा की तरफ से, तो ये जो इनका डिपार्ट है ये नालम खुद उनका एक मुख्य जरिया है, ये नालम एक अलग विभाग है, अलग डिपार्ट बना दिया गया है, तो ये नालम क्या करेगा? जब एनालम खुद बंद हो जाएगा, वो विभाग मिशन का जो है वो बंद हो जाएगा, तो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी किधर जाएंगे? इसके बारे में आज इस वीडियो को मैं मुझे एक ऐसा ये विचार आ रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। तो आपको यदि कोई जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज कम है, एक्चुअली जो समूह है हेल्प सेल्फ ग्रुप है मुझे नॉलेज है, और मेरे जो ब्लॉक स्तर पर अधिकारी उनका भी नॉलेज मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ समूह के बारे में हेल्प सेल्फ, मगर जो ये मेरे आज विचार मन में आया है कि ये नालम यदि बंद हुआ, ये मिशन जो चल रहा है, मिशन यदि मिशन ना लगा हो तो कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये मिशन जो लगा है, ये नालम मिशन का काम है, मिशन आज नहीं तो कभी ना कभी पूर्ण होगा, पर पूर्ण होने के बाद हमारा क्या होगा, यही मेरे ख्याल मन में वीडियो आने के बाद मैं तुरंत अपना वीडियो आपको शोभित कर रहा हूँ सामने। और दोस्तों यदि मेरे सब्सक्राइबर जो मेरा वीडियो देख रहे हों उनसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई जानकारी है इसमें तो मुझे अवश्य से अवगत करवाएं, और यदि आपसे कोई जानकारी मिलती है और मुझे कुछ जानकारी रहेगी, और नेक्स्ट टाइम पर मैं कुछ अधिकारियों द्वारा भी ये चीज़ें जानकारी परफेक्ट लूँगा कि हमारा यदि विभाग कभी बंद होगा एनालम का, तो हमारी दीदियों का, हमारे समूह का, जो हमारी विद्युत सखी दीदियां हैं बहुत सारी काम कर रहे हैं, सेलाफ हुआ और ग्राम संगठन हुआ, स्वयं सहायता समूह हुए, बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत से जुड़ाव चल रहा है, बहुत हमारी दीदियाँ गौर से काम कर रहे हैं इसमें, तो इनका क्या होगा, इनके बारे में चर्चा करने के लिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों दोस्तों, और मेरे दीदियों को नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा। यदि आपको कोई जानकारी हो मुझे भी उससे अवगत करवाइए, और मेरे बने रहिए मेरे वीडियो में। बस मैं संतोष निषाद, आप देख रहे हैं मेरा एसकेएन परफेक्ट व्यू यूट्यूब चैनल।